सब्सक्राइब कीजिए सारिकास फूड पार्लर चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जाके जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिकास फूड पार्लर। मैं हूँ सारिका। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और सूजी से बहुत ही जल्दी बन जाने वाली एक क्विक स्नैक्स की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बनाने में बहुत ही कम चीज़ लगता है। तो इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आलू सूजी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज आलू को बॉयल कर लिया है। अब एक ग्रेटर से बॉयल्ड आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, कटी हुई हरी मिर्च, चॉप्ड धनिया पत्ती, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। अब हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ले लिया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे और एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो डो हम तैयार करेंगे वो टाइट हो। तो देखिए, हमने एक टाइट डो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट बाद आलू और सूजी की डो से ऐसे छोटा छोटा बॉल हम तैयार करेंगे। हाथ में थोड़ा सा घुमा लेंगे और हाथों से इसको ऐसे प्रेस करेंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही पतला पतला छोटा छोटा हम शेप देंगे। तो देखिए, हमने इसको ऐसे गोल शेप दे दिया है। अगर आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है। तो तेल में एक एक करके सभी को डाल देंगे। तो पहले तेल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है और अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम में फिर फ्राई करेंगे। इसको एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसका एक साइड में कलर आ गया है। तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। स्नैक्स बहुत ही झटपट बन जाता है और फ्राई होने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। और आप इसे इवनिंग स्नैक्स में या फिर चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ, कोई भी चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसे लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस रेसिपी को पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ चाहिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।